हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यस, आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस की। ये भी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में देखा भी होगा, और यूजुअली आप अगर लाइफ साइंसेस से हैं तो आपको पता होगा कि डीबीटी के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी कवर किए भी हैं। तो एक और इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, जिसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ किया गया है, या बेसिकली इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स, एडवर्टीजमेंट आया है रिगार्डिंग PhD एडमिशन्स। तो आज के इस वीडियो में हम उसी को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, विच इज़ ILS.RES.IN। जो भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, देखिए, स्क्रॉल जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको वैसे एडवर्टीजमेंट यहाँ फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, आप इस पर भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एडमिशन्स एंड नोटिस का ये जो फ्लैश होता हुआ ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि ओपन हो जाए तो देखते हैं। यस, तो ये है वो पेज, और यही पे आप स्क्रॉल कीजिए तो फर्स्ट वाला ही नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू PhD एडमिशन। तो लास्ट डेट है 2nd of July 2021, ठीक है, और ये है एडवर्टीजमेंट, देन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर GRF एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। तो यस, आप क्लिक हियर पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म देखना है फॉर GRF तो यू कैन डाउनलोड एंड फिल इट, राइट। उसके बाद यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट, तो पहले आप ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला चेक कर लीजिएगा। आई एम नॉट श्योर डाउनलोड करना है या डायरेक्टली पोर्टल है ये। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी चीज़ें। सो यस, देखिए, ये है एडवर्टीजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, 4th of June डेटेड ये नोटिफिकेशन है। ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। और यस, तो यहाँ पे और कुछ ओवरव्यू है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ फैकल्टी एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर आपका जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उनमें से कुछ है, ठीक है, तो आप फैकल्टी का नाम भी देख सकते हैं, उन एरियाज़ में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड ऑल, बट ये एरियाज़ हैं जो गिवन हैं। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मार्क्स 60% होने चाहिए आपके मास्टर्स में, और मास्टर्स में आप लाइक आपने MSc किया हो, वेट, सो यस, लाइक आपने MSc किया हो, MTech किया हो, MPharma, MVSc या कोई इक्वलेंट क्वालिफिकेशन हो लाइफ साइंसेस या उसके अलाइड सब्जेक्ट्स, जैसे कि बायोटेक, बायोकेम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा, इनमें से किसी में। और मार्क्स जैसा कि बताया 60% होने चाहिए। जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इंटरव्यू में आपको रिजल्ट लाइक मार्कशीट अपनी प्रेजेंट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद यस, आपको GRF होना चाहिए, तो DBT या UGC, CSIR या कोई भी आपने अगर GRF क्वालिफाई किया है एंड गेट भी, ठीक है, तो सिर्फ नेट LS वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बट गेट क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव्स वो आपको सबमिट करना होगा। और लास्ट डेट है 2nd of July, एंड इसके अलावा आपकी जो एज है, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 2nd July तक। और बाकी SC ST वीमेन PH के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, एंड OBC के लिए 3 ईयर्स का। देन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, सो 500 आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। एंड SC ST और हमारे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं कैंडिडेट्स, उन्हें कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, दे आर एग्जेम्प्टेड। और जब आप फीस पे करनी होगी तो जो डिटेल्स है रिलेटेड टू अकाउंट वो यहाँ पे गिवन है, वेट, यस, तो यहाँ पे डायरेक्टर, देन ILS, भुवनेश्वर, अकाउंट नंबर, बैंक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। फेलोशिप, तो यस, अगर आप GRF हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी है आपको जो भी एजेंसी है वही फंड करेंगी, राइट। देन यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपीज़ और हार्ड कॉपीज़ दोनों ही सबमिट करनी है। सो पहले आप ये गूगल फॉर्म का लिंक है जो आप उस पोर्टल पर जो अभी हमने देखा क्लिक हेयर वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा, इसे फिल करना होगा फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद ये पर्टिकुलर फॉर्म ड्यूली फिल्ड, साथ में पेमेंट का जो रिसीप्ट है, प्रूफ है, और बाकी जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैं आपके सारे ही रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो ये इन सभी को आपको आप एक कर दीजिएगा एक PDF में, तो इट लाइक अच्छा होगा ये। उसके बाद आपको इसे सेंड करना होगा इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे, विच इज़ academic@ILS.RES.IN, और ये ऑब्वियसली 2nd July लास्ट डेट है, तो उससे पहले कर दीजिएगा। एंड हार्ड कॉपीज़ भी आपको पोस्ट करनी है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है।
और जो ईमेल होगा उसका सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, राइट। एंड देन यहाँ पे एड्रेस है, जब आप पोस्ट करेंगे तो आपको इस एड्रेस पर पोस्ट करना है। लास्ट डेट है 2nd of July। देन जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो 9th July तक आ जाएगी। एंड जो टेंटेटिव डेट है फॉर इंटरव्यू इट इज़ 2nd week of August, राइट। उसके बाद तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो प्रोवाइडेड हैं। आपका इनमें से कोई भी एरिया है, आप इंटरेस्टेड हैं इस इंस्टीट्यूट से रिसर्च करने में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।